हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन कल्याण महोत्सव शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। जैन एकता के लिए बाड़मेर सदैव याद रखा जाएगा। आचार्य वसुनंदी महामुनिराज। बाड़मेर शहर के महावीर चैक कल्याणपुरा में नव निर्मित दिगंबर जैन मंदिर के प्रतिष्ठा हेतु जिन बिंबिंग पंच कल्याणमक उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे महा कल्याणपुरा महावीर जैन के निर्मित अयोध्या नगरी में जन्म कल्याण के अवसर पर सुबह श्री जितेंद्र भगवान का मंगल अभिषेक एवं शांति धारा का अनेक भक्तों ने धर्म लाभ लिया। आचार्य वसुनंदी महामुनिराज के सत्संग मंगल सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्र गुणाभिषी भैया जी के साथ अनेक भक्तों की उपस्थिति में सैकड़ों भक्तों ने अभिषेक किया। जानकारी देते हुए पंचक कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के प्रचार प्रसार संयोजक चंद्र प्रकाश छाजेड़ सह संयोजक अशोक संखलेचा ने बताया कि राजस्थान गुजरात सहित देश के अलग अलग राज्यों से भक्त पंच कल्याणक महोत्सव में आचार्य श्री आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। रविवार को आदि कुमार भगवान ने जन्म उत्सव पर इंद्र और इंद्रानियों के भव्य नाटिका की प्रस्तुति देते हुए भक्ति भाव के साथ मंत्र मुक्त होकर ही नृत्य की प्रस्तुति दी। राज दरबार में 100 धर्म इंद्र इंद्रानियों के साथ बालक आदि कुमार को गोद में लेकर खुशी से झूम उठे। आज आदि कुमार के जन्म उत्सव पर महावीर वाटिका में निर्मित पांडुक शिला में सैकड़ों भक्तों ने आचार्य श्री के अमृत वचनों से भक्ति भाव के साथ मंगल अभिषेक किए। ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान का सब स्मरण धरती पर उतर आया है। शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। इन मार्गों से गुजरी शोभा यात्रा, जगह जगह हुई पुष्प वृष्टि। रथ यात्रा समिति के भूचंद्र बोहरा व मदन लाल बोथरा ने बताया कि शोभा यात्रा स्थानीय कल्याणपुरा महावीर चैक से प्रारंभ होकर ठेकेदार रिखस बाद जैन मार्ग आराधना भवन प्रजापति की पोल जैन नयाती नोहला की गली पीपल चौक गाड़ी बाजार जूना केराड़ू मार्ग महावीर सर्कल होते हुए भगवान महावीर वाटिका पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुए, जहां पर पांडुक पीछा पर सहस्त्र कलशों पर जन अभिषेक किया गया। आचार्य वृंद ने सत्संग महावीर वाटिका स्थित भगवान महावीर स्वामी जनीलाल के दर्श वंदन पर सकल जैन समाज को आशीर्वचन प्रदान किया। महावीर वाटिका में सकल श्री संघ का साधार्मिक वात्सल्य का आयोजन किया गया। ये रहे शोभा यात्रा के आकर्षण। जन्म कल्याण शोभा यात्रा में सबसे आगे बुलेट पर सवार ओपन जीप में परमात्मा की तस्वीर, शोभा यात्रा बैनर, ढोलवादक, घोड़े पर सवार जैन ध्वज वाहक, एरावत हाथी पर सवार लाभार्थी परिवार, गौर नृत्य, पद्मावती बैंड के मंगल ध्वनियों का वाद करते हुए बैंड वादक, जिन शासन की जय जयकार करते भक्तजन, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक नृत्य मंडली, बालिका मंडल, महिला मंडल एवं श्रावक श्राविकाएं इस शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षक रहे। वहीं शहर भर में शोभा यात्रा के आगे आगे रंग बिरंगिया रंगोली के माध्यम से भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शोभा यात्रा में बैंड की धुन एवं ढोल की थाप पर गुरु भक्त युवा वर्ग जगह जगह पर झूमते नजर आए। शोभा यात्रा का जगह जगह पर श्रद्धालु द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बाड़मेर नगर के इतिहास में प्रथम द्वार श्वेतांबर व पीतांबर समाज की एकता को अपनी आंखों से निहार रहे थे। आज सैकड़ों भक्त ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पण करते हुए श्री जितेंद्र भगवान के मंगल दर्शन किए और आचार्य श्री पाद के प्रक्षालन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण किए। प्रवचन पश्चात आचार्य श्री के आहार चर्या का धर्म लाभ रत्नेश्वर श्री श्री माल परिवार ने अपने घर में आहार चर्या का सौभाग्य प्राप्त किया। जैन एकता के लिए बाड़मेर सदैव याद रखेगा। मुख्य संयोजक मुकेश बोहरा अमन ने बताया कि आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनि राज ने सकल बाड़मेर जैन समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जैनत्व की तीन पहचान है, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना और अहिंसा का पालन करना। बाड़मेर की धर्म प्रेमी जनता ने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जैन एकता का परिचय देकर संपूर्ण भारत भर में
अनूठे इतिहास का सर्जन किया है। आचार्य ने बुलंद आवाज में महावीर वाटिका के मंच से कहा कि हमने श्वेतांबर न दिगंबर न स्थानक वासी है, न ही तेरा पंथी है, हम स्वर्ग प्रथम जैन है। हमारा नव कारक मंत्र एक है, हमारे तीर्थ एक है और हम सब भी एक है। हमारे पूजन पद्धति की प्रक्रियाएं भिन्न हो सकती है लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही है। जिन मंदिर संस्थापक वीरेंद्र कुमार जैन का अजमेर जैन समाज द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट कर एवं जैन श्री संघ बाड़मेर द्वारा बहुमान किया गया। नूतन जिनालय में परात्मा विराजमान करने का लाभ मंदिर संस्थापक वीरेंद्र कुमार जैन, कलश स्थापित करने का लाभ नीरज कुमार, कमल कुमार, सुनील कुमार जैन व ध्वजा का लाभ कालीचरण देवश कुमार जैन परिवार ने प्राप्त किया। सोमवार को होंगे ये कार्यक्रम। प्रातःकाल 6:30 अभिषेक, शांति धारा, नितमह पूजा, तत्कल्याण पूजा, हवन। प्रातः 9:00 आचार्य श्री का मंगल प्रवचन, दोपहर 12:00 महाराज अभिनारय का दरबार, विवाह की स्वीकृति, आदि कुमार की बारात, राज्य अभिषेक, मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा भेंट समर्पित, भरत बाहुबली ब्राह्मणी सुंदरी जन्म, शटकट उपदेश, नीलांजना नित्य, लोकतांत्रिक देवों का आगमन, भरत बाहुबली आदि पुत्रों का राज्य विभाजन, वनगमन, दीक्षाभिषेक, दोपहर 3:30 दीक्षाएं क्रियाएं, संस्कार नामकरण, 6:30 मंगल आरती व प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच किया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।